तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी देसी भाइयों और सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का मैं दिल से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आप पर हमेशा ऐसे ही धन ऐश्वर्य वैभव की बारिश करती रहे, कृपा दृष्टि बनाए रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों देखिए, आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा तन मन धन से वर्क करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे आपको पैसे की बात आती है दोस्तों, वहाँ पे आपको कमीशन तो जो भी काम करे रहते हैं उसको मिल जाता है, लेकिन कमीशन के अलावा जो हम लोग को इंसेंटिव मिलता है, देखिए अभी जो नए बीसी भाई हैं उनको तो नहीं पता होगा कि इंसेंटिव कैसे और कब मिलता है, लेकिन जो पुराने भाई हैं उनका सब कुछ समझ लीजिए बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस ज़्यादा है। ठीक है, देखिए वो दौर कुछ और था, 2015-16-17 में जो बीसी बन गए हैं, ठीक है, लेकिन आज जो बीसी भाई बन रहे हैं, नए बीसी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पोर्टल पे भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो खाते खुलने में दिक्कत हो रही है, और खाता जब तक नहीं खुलता है तब तक समझ लीजिए आपका बिजनेस प्रोग्रेस नहीं होगा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ कि आप लोग तन मन धन से काम करते हो, ठीक है, लेकिन जहाँ पे मेहनत का फल मिलता है वहाँ पे आप लोग निराश जाते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इंसेंटिव की बात करूँ तो इंसेंटिव को क्वालिफाइड करने के लिए आपको सबसे पहले 1000 खातों को मेंटेन रखना होगा, ठीक है। 1000 खाता जब आप लोग के पूरे हो जाते हैं तब आपको इंसेंटिव मिलने की बात होती है, ठीक है। अगर 1000 से कम होता तो आप क्वालिफाइड नहीं होते हो इंसेंटिव के लिए। अच्छा, 1000 खाते तो खुल गए हैं लेकिन उनमें 90% से 95% तक अकाउंट फंडेड होने चाहिए, मतलब कि जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए, जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए और साथ साथ डोरमेंट भी अकाउंट नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आपका जो बीसी लोकेशन है जहां पे आपका सेंटर चल रहा है वो दो लोकेशन का हो सकता है, या तो नॉन एसएससी होगा या तो एसएससी होगा। देखिए, अगर आपको नॉन एसएससी सेंटर मिला होगा तो एसएससी की तुलना में नॉन एसएससी वालों को थोड़ा ज़्यादा टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा, नॉन एसएससी में यहाँ पे तीन सिनेरियो होते हैं, 1, 2 और 3। देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट सिनेरियो में अगर 40 कस्टमर का आप माइक्रो इंश्योरेंस करते हो, ठीक है, और उसमें से अगर 40 कंप्लीट है, मान लीजिए 40 का सिनेरियो फर्स्ट का टारगेट है, 40 आप कर ले जाते हैं तो सिनेरियो फर्स्ट का आपको इंसेंटिव मिलता है, जो फुल इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। अगर आप 40 से थोड़ा कम करते हो, नहीं कर पाते हो 40 किसी भी वजह से, उससे थोड़ा कम है मान लीजिए, तो सिनेरियो सेकंड का आपको थोड़ा से उससे कम इंसेंटिव दिया जाता है। अच्छा, उसी हिसाब से अगर और भी कम है जो कि सिनेरियो थर्ड आपके ऊपर लागू होता है, तो सिनेरियो थर्ड का आपको इंसेंटिव दिया जाता है। यहाँ पे तीन सिनेरियो होते हैं नॉन एसएससी में, और एसएससी जो होते हैं जो बैंक के आसपास में सेंटर खुले होते हैं वो एसएससी होते हैं, जो बैंक उनको लोकेशन देता है, और जो बैंक से दूर होते हैं वो नॉन एसएससी में होते हैं। तो एसएससी वालों का नॉन एसएससी की तुलना में थोड़ा से कम टारगेट दिया जाता है। यहाँ पे भी नॉन एसएससी की तुलना में एसएससी वालों को यहाँ पे दो सिनेरियो मिलते हैं, सिनेरियो 1 और 2, ठीक है, उनको भी इसी हिसाब से कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन नॉन एसएससी वालों को दोस्तों यहाँ पे मैं क्या क्या क्राइटेरिया में बता देता हूँ, थोड़ा सा रीड करके रिव्यू आपको भी करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महीने में 24 दिन तो आपको सेंटर खोलना ही है, एक्टिव होना ही है। अगर 24 दिन से कम आप सेंटर खोलते हैं तब आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना हमको बताने की जरूरत है, लेकिन आप थोड़ा गौर समझिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे जो वीडियो आती हैं वो कुछ सिखाने और बताने के उद्देश्य से आती हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना होता है। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको सीधे और सहज भाषाओं में आपको समझाएं ताकि आपको समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तब आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके समझिए और पीछे से फिर आपको
फिर से स्किप मत कीजिए, फिर से आप रिटर्न करके देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महीने में 24 दिन आपको सेंटर ओपन करना है और पिछले मंथ से जो करंट मंथ है उसमें 2% की वृद्धि होनी चाहिए नॉन एसएससी में। अगर वृद्धि नहीं होती है 40 दिन आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी नहीं मिलेगा। अगर आप 2% की वृद्धि कर ले जाते हैं बिजनेस में और 24 दिन नहीं कर फिर भी नहीं मिलेगा। ध्यान समझिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसमें से 40 कस्टमर का माइक्रो इंश्योरेंस आपको हर हाल में करना ही है। अच्छा, ये तीन तो क्राइटेरिया हो गया, इसमें पैरामीटर क्या क्या है आप देखिए, पैरामीटर की बात है। यहाँ पे 10 PMJDVY मतलब कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 अकाउंट आपको खोलना है, ठीक है, और 3 कस्टमर का अटल पेंशन आपको APY करना है। और यहाँ पे जो चौथा पैरामीटर है कि 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू रुपे कार्ड, जो स्वाइप मशीन है आपके पास अगर वो है तो वो भी इसमें काउंट होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ द एजेंट अचीव एट लीस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम पैरामीटर, मतलब कि इसमें लिखा है कि अगर इनमें से कोई एक आप कंप्लीट कर ले जाते हो ना तब आपको इंसेंटिव सिनेरियो फर्स्ट का दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ नॉन एसएससी सिनेरियो वन का जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी एक और स्थिति है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर जितने भी खाते खोले, देखिए 1000 से कम अगर आपका खाता खुला है तो आप क्वालिफाइड तो हो गए नहीं इंसेंटिव के लिए, उससे ज़्यादा है तो आप क्वालिफाइड होते हो इंसेंटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए जितने भी खाता खुले, मान लीजिए 1200 खाते खोल लिए आपने, 1200 खाते आपने खोल लिए हैं और उनमें 25 लाख तक है तब आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। आप साइड में देख सकते हैं, मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूं जो यहां पे स्कीम है। तो कहने के बाद दोस्तों, अगर 25 लाख तक है तब आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, 25 लाख से 40 लाख तक है। अगर जितने भी खाते खोले हैं 1200 खाते उनमें सब मिला के टोटल 25 लाख से 40 लाख तक अगर अमाउंट उसमें डिपॉजिट है, चाहे वो FD के तौर पे हो चाहे वो चालू खाते पे रखा हो अपना सेविंग अकाउंट पे, ठीक है, या अगर FD है। देखिए इंसेंटिव में ये भी देखिए, ध्यान समझिएगा, इंसेंटिव में 1 लाख रुपए तक की बिजनेस काउंट किया जाएगा। मान लीजिए कोई कस्टमर अपने अकाउंट पे 2.5 लाख रुपए रखा है, ठीक है, तो उसमें से इंसेंटिव के लिए 1 ही लाख रुपए इन काउंट किया जाएगा, 1 लाख से ज्यादा काउंट नहीं किया जाएगा। तो जितने भी खाते खुले हैं 1200 खाते उनमें से अगर 25 लाख से 40 लाख तक अगर सेविंग है तो उसमें अगर उसका औसत आता है 2500 रुपये तब आपको 50 पैसे के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, और 2500 से 7500 रुपये तक है अगर होल्ड है बैलेंस तब आपको 60 पैसे के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, और अगर 7500 से ऊपर उसका औसत आ रहा है तब आपको 70 पैसे के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। और कैसे आप इंसेंटिव का औसत निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल जितने भी बैलेंस होल्ड हैं, मान लीजिए यहाँ पे 25 लाख रुपए सारे अकाउंट पे मिला करके होल्ड है, ठीक है, तो इसको आप भाग दे दीजिए, आप यहाँ पे भाग दे दीजिए 1200 से, क्योंकि 1200 टोटल अकाउंट है उनमें 25 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो 25 लाख का आप 1200 से भाग दे दीजिए, जितने बचे समझो उतना औसत बैलेंस आपका दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको सिनेरियो सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ पे उससे थोड़ा कम होता है, 24 दिन यहाँ पे भी आपको एक्टिव रहना है, लेकिन जहाँ 2% आपको वृद्धि करना होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे सिनेरियो सेकंड में 1% की वृद्धि होनी चाहिए। जहाँ पे कंडीशन सेम है, जो पैरामीटर है 10 आपको अकाउंट खोलने हैं, 3 APY करने हैं, 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुपे कार्ड से करना है। अच्छा, इनमें से आप कोई भी एक कर ले जाते हैं तब आपको सिनेरियो सेकंड का मिलता है, और यहाँ पे भी सिनेरियो सेकंड का जो रेट प्लान है आपको दिख जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिनेरियो थर्ड में आपको दिखाता हूँ, सिनेरियो थर्ड में 24 दिन इसमें भी आपको एक्टिव रहना है, और यहाँ पे निगेटिव नहीं होना है, और 10 अकाउंट खोलने हैं, 3 APY करने हैं, 5 रुपए ट्रांजेक्शन करने हैं, सेम है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वृद्धि की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, गलीमत यही है। सिनेरियो थर्ड में थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे फिर आता है SSC,
जैसा कि मैंने बताया है कि एसएससी में नॉन एसएससी वालों की तुलना में थोड़ा से कम इनको जो है टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। जहां पे एसएससी वालों को 24 दिन काम करना होता है, वहां पे ये 21 दिन ही में ही काम करने पर इनकी बात बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो 40 कस्टमर का नॉन एसएससी में इंश्योरेंस करना होता है, जेजेबीवाई एसबीवाई मिला के माइक्रो इंश्योरेंस, यहाँ पे आप 25 अगर कर देते हैं, अगर आपका सेंटर एसएससी एरिया में है तब आपको 25 ही यहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस करना होता है। जिनमें से पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में दोस्तों यहाँ पे 5 अकाउंट, जहाँ पे आपको 10 अकाउंट ओपन करना होता था, यहाँ पे आपको 5 अकाउंट करने हैं और 1 APY करना है, 2 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरे महीने में करना है रुपए कार्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे 40 कस्टमर का आप माइक्रो इंश्योरेंस करते हो, हो सकता है तन मन धन लगा के एक महीने में मैंने 40 कंप्लीट कर लिया, दूसरे में नहीं कर पाते तो वहाँ पे नहीं मिल पाता है। फिलहाल ये बैंक ऑफ बड़ौदा का फैसला है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो पुराने बीसी भाई लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो नए बीसी भाई लोग हैं उनको भी नहीं पता है। तो आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि बैंकिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो फर्स्ट में क्या है कि अगर देखिए 12.5 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 12.5 लाख से ऊपर होता है 20 लाख तक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर औसत बैलेंस आता है 2000 रुपये तो 60 पैसा, और 2000 से 5000 तक होल्ड है उन सभी खातों पे तो यहाँ पे 70 पैसा, और 5000 से ऊपर अगर औसत आता है तो यहाँ पे 90 पैसा के हिसाब से मिलता है। उसी हिसाब से अगर 20 लाख से 30 लाख अगर होल्ड करें हैं तो अगर 2000 रुपये आता है तो 80 पैसा मिलेगा, 2000 से 5000 है तो 95 पैसा मिलेगा, और 5000 से ऊपर आता है औसत बैलेंस तो यहाँ पे 1 रुपये 15 पैसे के हिसाब से मिलता है। इसी तरह से अगर 50 लाख से ऊपर अगर सेव है, मान लीजिए 1900 खाते हो गए हैं और उन सभी पर मिला करके 50 लाख से ज़्यादा होल्ड है और उसमें औसत निकल रहा है 5000 रुपये, तो आपको 1 रुपये 70 पैसे के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों और आगे का सिनेरियो सेकंड में बता देता हूँ। सिनेरियो सेकंड में क्या है कि आपको यहाँ पे भी 25 कस्टमर का माइक्रो इंश्योरेंस करना है और यहाँ पे 24 दिन के बजाय 21 दिन आपको एक्टिव रहना है, 5 मिनिमम अकाउंट फंडेड खोलने हैं और 1 APY करना है और 2 पॉस मशीन के थ्रू आपको स्वाइप मशीन से रुपए कार्ड द्वारा ट्रांजेक्शन करना है, तब दोस्तों यहाँ पे आपको भी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में आपको यही बताना है, आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से अगर आपको बैंकिंग में नए हैं अभी, आप ज़्यादा बैंकिंग आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे आइए, यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि आपको टोटल आपके द्वारा कितने खाते खोले गए हैं, उन सभी खातों पर कितना पैसा होल्ड है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए या इंस्टा पे आकर के हमें मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। आपको कुछ डिटेल नहीं देना है, बस आपको क्यू कोड आपको दे देना है वहाँ पे कमेंट में, मैं आपका क्यू कोड से देख करके फाइंड करके मैं आपको इंस्टा बता दूंगा, सॉरी। और यहाँ पे यूट्यूब पर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं किसी की डिटेल साझा नहीं कर सकता हूँ आपके साथ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। कुछ गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की भी, उसे करना है तो आप यहाँ पे क्यू कोड लिख के दे दीजिए और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, इंस्टा पर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।